बागेश्वर बाबा आए, हम हमेशा जाते हैं वहाँ पे। वहाँ से मार रहे थे तो कोई मीडिया वाले आ गए, तू हमसे पूछ रहा है कि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे। अरे भैया पटना कोनो बांग्लादेश में थोड़ी है, अब हमारा से पूछ रहा है। अब भाई दूर ही जा, ये मीडिया वाले लोग अपनी मर्यादा भूल गए हैं। अब इसमें भी तीन तरह की मीडिया है, समझो ध्यान से। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मीडिया ना होके एक कंपनी बन गई है। जैसे आप समझो कि न्यूज 18 रिलायंस का है, एनडीटीवी अडानी का है। तो जब आदमी, अब एक बात बताओ हमारा मेन चीज क्या है, एजुकेशन, तो हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, एजुकेशन पे। अगर कल को हम एक जलेबी का भी दुकान एक्वायर कर ले तो हमें कितना ध्यान दे पाएंगे उस पर, नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे तो बताइए न्यूज 18 किसका है, रिलायंस, और न्यूज एनडीटीवी अडानी का हो गया। अब ये जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये इनका बिजनेस छोटा मोटा नहीं होता। ये जमीन एक्वायर करते हैं कितना, 500 एकड़, तो 500 एकड़ जमीन किसान से खरीद पाएंगे, तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है, तो इनमें गवर्नमेंट भी रहती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो हाल आप जान ही रहे हैं। अब बच गए ये डिजिटल मीडिया के स्वतंत्र पत्रकार। अब इनमें दो कैटेगरी के लोग हैं, डिजिटल मीडिया के स्वतंत्र पत्रकार में कुछ गंभीर पत्रकार हैं जो रियल मुद्दे उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं जिनको केवल वायरल होने का शौक है। नहीं समझा गया, अरे हम लोग को तो एक कौन को परेशान, एक उदाहरण दे, चैनल बना ले रहा है, एक आके 5 मिनट लगता है चैनल बनाने में, और खान सर आप इंटरव्यू दे दीजिए। अरे भाई पहले तुम अपना एक लेवल, हम लोग भी जब चैनल बनाए थे तो सीधे नहीं कहते कि कौन बनेगा करोड़पति में हम लोग आ जाएंगे, नहीं समझे। तो उन लोग को भी सोचना चाहिए कि पहले आप कुछ अपने आप को स्थापित करो, ठीक ठाक दिखाओ, जेन्युइन मुद्दे दिखाओ। तो तीन तरह की मीडिया, एक नेशनल मीडिया तो खत्म हो गई कहानी यहाँ पे, और डिजिटल मीडिया जो बची है उसमें जेन्युइन भी बहुत लोग हैं, और कुछ को मतलब है वायरल होने से, कुछ देखा के वायरल हो जाएगा। नहीं समझा गया, अरे एक से एक पूछिए। हम यहाँ एक तो ना आर्मी का कैंप या एनसीसी का वो था, वहां पे एनसीसी का प्रोग्राम हो रहा था, तो हम एनसीसी में, हम तो क्योंकि एनसीसी के एलिमिनाई है हम हमेशा जाते हैं वहां पे, तो वहां से मार रहे थे तो कुछ मीडिया वाले आ गए, तो कुछ लोग पूछे कि सर एनसीसी का क्या है, ठीक है। उसी समय बागेश्वर बाबा आए थे, तू हमसे पूछ रहा है कि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे। अरे भैया पटना कोनो बांग्लादेश में थोड़ी है, यहाँ जिसको मन होगा आएगा, उस डीएम साहब परमिशन दिए होंगे तो आए होंगे, अब हमारा से पूछ रहा था काहे। अब भाई दो रीजन, एक तो मामला एनसीसी का है, वो बाबा अपने प्रवचन कर रहे हैं कि आपको कोई मारधार सिखा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुनना है आप सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, कोई भी बाबा हो चाहे किसी भी, आपको मन नहीं तो आप सुनिए, नहीं मन है तो मत सुनिए। आप हमारा तो धोखे पूछ रहे हैं, हम कहे बाबू ये सब चीज हमसे काहे पूछ रहे हो, डीएम साहब से पूछो, परमिशन वो दिए हैं कि हमारा पटना है, नहीं समझे। तो मीडिया का भी ना अपना अलग धर्रा हो चुका है यहाँ पर। अब आप लोग तो हमेशा रूबरू होते ही होंगे, यहाँ पर मिलवे करते हैं।